हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। ये सब्ज़ी बहुत ही रिच और क्रीमी होती है। टेस्ट में ये थोड़ी सी खट्टी और मीठी होती है, और जैसा कि इसका नाम है शाही पनीर, तो रियल में इसका स्वाद भी बहुत शाही होता है। लेकिन इसे घर पर भी बनाना बहुत आसान है। ज़्यादातर हम रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल शाही पनीर खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप एक बार ये शाही पनीर खा लेंगे तो रेस्टोरेंट और ढाबे वाली शाही पनीर तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए ये शाही अंदाज वाली शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो आइए, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने इस तरह कोन शेप में कट कर लिया है। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। और ये मैंने एक कप दूध लिया है, इससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। घी लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच। घी की जगह आप ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं। दही लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, यानी कि आधी कटोरी। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें मैंने 15 काजू भी ऐड कर लिया है और 4 हरी मिर्च। इन तीनों को मिलाकर मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये 3 मीडियम साइज के टमाटर, इसका भी मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये कुछ मसाले हैं, इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 1 बड़े चम्मच भरकर शाही पनीर मसाला लिया है। शाही पनीर मसाला की जगह आप गरम मसाला पाउडर भी ले सकते हैं। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है, 4 टेबल स्पून क्रीम हम यूज़ करेंगे। फ्रेश क्रीम की जगह आप दूध के ऊपर जमी मलाई भी ले सकते हैं। और लिया है यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले। मसाले में 1/2 जीरा लिया है 1 टीस्पून, 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च लिए हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें घी ऐड कर देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा भून लेने के बाद सारे खड़े गर्म मसाले ऐड कर देंगे और इसको 10 से 15 सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे, ताकि सभी गर्म मसालों का फ्लेवर हमारे घी में रिलीज हो जाए। अब हम इसके अंदर प्याज, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको चलाते हुए लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। इसको बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने काजू ऐड की है जो कि ना चलाने पर नीचे चिपकने लगते हैं। तीन से चार मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है और ये देखिए लाइट पिंक कलर भी हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जिससे कि लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा। ये देखिए हमने अदरक और लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें शाही पनीर मसाला को छोड़कर बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे और अब हम इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये टमाटर का सभी का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए सभी मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, साइड से थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये शाही पनीर मसाला। मिला लेंगे इसको अच्छे से और 1/2 मिनट के लिए मसालों के साथ भून लेंगे। आधे मिनट भून लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही। लगातार चलाते हुए दही को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फटाफट से दही को मिलाना है, देर की तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे।
डेढ़ मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर तो चेंज हो ही गया है, लेकिन ये दानेदार भी होने लगे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को आप दही के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी को स्टेप बाय स्टेप पका रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब क्रीम के साथ हम इसको अच्छे से पकने देंगे। और फिर से कवर करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर स्टर करते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद मसालों में से घी रिलीज होने लगा है और मसालों का कलर भी क्या निखर के आया और बढ़िया से खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को मसालों के साथ, ताकि पनीर जो है वो मसालों को अच्छे से अब्जर्व कर ले। आप इसमें 1/2 टीस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा मीठा शाही पनीर पसंद करते हैं तो। तो इसको अब हम 2 से 3 मिनट पनीर के साथ ऐसे ही चला लेंगे, जिससे मसालों का टेस्ट पनीर के अंदर अच्छे से अब्जर्व हो जाएगा। ये देखिए 2 मिनट तक हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है पनीर के साथ। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये हम शाही पनीर बना रहे हैं इसलिए हम इसमें शाही चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बाकी बचा हुआ दूध भी डाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ दूध ऐड किया है, दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और दूध में 1 बोल डालने देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। दूध ऐड करने के बाद ध्यान रहे इसको लगातार चलाना है, ऐसा करने से दूध बिल्कुल नहीं फटता है। अक्सर ऐसा होता है जब हम ग्रेवी में दूध ऐड करते हैं तो वो फटने लगता है। तो ये एक टिप है, जब भी आप दूध ऐड करें तो गैस की फ्लेम हाई रखें और लगातार इसको चलाते रहें। अब ये देखिए इसमें बॉल डालना शुरू हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट ढककर इसे हम पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हमने पनीर को कुक कर लिया है और ये देखिए हमारा शाही पनीर बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना आपने, घर पर भी शाही पनीर बनाना कितना आसान है और इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप ढाबा और रेस्टोरेंट वाली शाही पनीर तो खाना भूल ही जाएंगे। तो ये हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच शाही पनीर बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे सिंपल और ईजी रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करके देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।